Hello everyone, welcome to an Academy Catalyst and welcome to MCQs of the day 21st March 2020. So let's quickly solve the first question. The number 39807 XY is divisible by 88. What is the sum of X plus Y? So 88 ka divisibility rule is what? 88 ka divisibility rule is 11 and 8. To wo number 11 se bhi divisible hona chahiye and 8 se bhi hona chahiye. Now 8 ka divisibility rule is last 3 डिजिट्स. तो अगर मैं इस नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स देखूं तो वो है 7xy. तो 7xy जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए. एंड 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम और उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए. तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से. अल्टरनेट डिजिट्स का सम y प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3. सो y प्लस 7 प्लस 8 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 0 प्लस एक्स. सो माइनस 9 माइनस 0 माइनस एक्स. सो अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा सो इट इज वाई प्लस सो 8 7 15 प्लस 3 18 माइनस 9 इज 9 माइनस एक्स. ठीक है. सो ये चीज 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं दैट 9 प्लस वाई माइनस एक्स जो है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है. सो ये 11 से डिविजिबल तभी होगा अगर ये वाली चीज 2 होगी. करेक्ट. तो y माइनस एक्स को विल ट्राई टू मेक 2. तो यहां पे मैं वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करता हूं. सो x की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 2 4 एंड सो ऑन. बट साइड बाय साइड मेरे को यहां पे भी चेक करना है कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल बन जाए. तो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 y की 2 7 0 2. Is this number divisible by 8? It's not. Similarly, next is 713. अगर मैं यहाँ पे 13 रखूँगा तो वो तो नंबर ही odd बन जाएगा. Odd number तो 8 से divisible होता ही नहीं है. तो next time I'll make sure कि यहाँ पे सिर्फ even values ही लिख रहा हूँ मैं. So 2, 4, 4, 6, 6, 8. तो बस इनके लिए check कर लेते हैं. So x की value 2 and y की value 4. So 724. Next is 746 एंड नेक्स्ट इज 768. इन तीनों नंबर्स में से कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है? ये नहीं है, ये वाला नंबर नहीं है. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8. हेंस योर आंसर इज, क्या पूछा था उसने हमसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y 6 प्लस 8. आंसर इज 14. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The number P377683Q, where P and Q are single digit natural numbers, is divisible by 72. So again, 72 ka divisibility rule is 8 into 9. So pucha gaya hai aapse, find the value of P plus Q. So similar si approach hai. So 8 ka divisibility rule is last 3 digits. Isme aur bhi simple hai because aapko ye 2 digits diye gaye hain. To agar main 8 se divide karunga to 832 is divisible by 8. तो Q की वैल्यू तो डिफाइन हो गई है 2. अब हमको सिर्फ P की वैल्यू पता करनी है. उसके लिए क्योंकि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स. तो हम सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं. कितना बनेगा ये? 7 प्लस 3 10 प्लस 7 17 6 23 8 31 प्लस 3 34 प्लस 2 36. सो P प्लस 36 शुड बी डिविजिबल बाय 9. ओके, सो P प्लस 36 शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो ये कब कब हो सकता है? या तो P खुद 0 हो या फिर P खुद 9 हो. ठीक है. सो इस केस में अगर P 0 हुआ तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. और अगर P 9 हुआ तो P प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11. सो इन दिस क्वेश्चन बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. ऐसा कैट में नहीं होता, ऑप्शंस में एक ही करेक्ट ऑप्शन होती है. बट इन दिस क्वेश्चन बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन, रमेश वॉन्ट्स टू नंबर 360 पेजेस, हाउ मेनी डिजिट्स ही मस्ट यूज टू नंबर. सो बेसिकली वॉट ही वॉन्ट्स टू यू डू इज कि वो 1 से लेके 360 तक सब नंबर्स लिखना चाहता है. क्वेश्चन इज कि वो कितने डिजिट्स यूज करेगा. सो इसको डिवाइड कर लेते हैं. 1 से लेके 9 तक लिखने में उसको सिर्फ 9 डिजिट्स लगेंगे बिकॉज दीज आर सिंगल डिजिट नंबर्स. 10 से लेके 99 तक टोटल 90 नंबर्स हैं और हर नंबर एक 2 डिजिट नंबर है. सो टोटल 180 डिजिट्स यूज करेगा वो. 100 से लेके कहां तक है? 360. टोटल 261 नंबर्स हैं. एवरी नंबर
इज अ थ्री डिजिट नंबर, सो टोटल कितने डिजिट्स यूज करेगा? 261 इंटू 3 इज 783. सो कितने डिजिट्स उसने टोटल यूज किए? यू कैन ऐड ऑल थ्री. सो 783 प्लस 180 प्लस 9, आपको पूरा ऐड करने की भी जरूरत नहीं है. इफ यू कैन जस्ट ऐड द लास्ट डिजिट्स, 9 प्लस 3 कितना होता है? 12. लास्ट डिजिट 2 आना चाहिए. आंसर इज 972. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n इन द रेंज 22 to 44 such that the product n minus 1, n minus 2 and so on up to 3 to 1 is not divisible by n. वो बोल रहा है कि यार n minus 1 into n minus 2 and so on चलते चलते 3 to 1, ये n से divisible नहीं होना चाहिए. और जो n है इस range में होना चाहिए. बताओ ऐसे कितने positive integers possible है? देखने में question बहुत complicated लग सकता है कि पता नहीं क्या. It's very easy. एक example लेते हैं छोटा सा. Let's suppose n की value है 10. So, अगर n की वैल्यू 10 हुई तो ये क्या बनेगा? n माइनस 1 कितना बनेगा? 9, 8, 7 एंड चलते चलते सो ऑन अप टू 1 और डिवाइड बाय 10. ये डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है, बिकॉज यहाँ पे बीच में कहीं पे 5 भी होगा, बीच में कहीं पे 2 भी होगा. सो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिविजिबल है. एक और लेते हैं, लेट्स से n की वैल्यू लेते हैं 11. तो ये नंबर क्या बनेगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 एंड सो ऑन अप टू 3, 2, 1 डिवाइड बाय 11. ये नंबर 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, बिकॉज इन दिस नंबर कोई 11 का मल्टीपल ही नहीं है. सो ये कब पॉसिबल हुआ? बिकॉज ये एक प्राइम नंबर था. तो हमारी कंडीशन विल मीट जब जब n एक प्राइम नंबर होगा. सो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 22 से 44 की रेंज में प्राइम नंबर्स काउंट करने हैं. मैनुअली कर लेते हैं. 23, 29, 31, 37, 41, 43, टोटल 6 प्राइम नंबर्स हैं. सो दैट इज योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स 3 एंड 5? इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था. सो 3 एंड 5 से डिविजिबल होना मतलब 15 से डिविजिबल होना. ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, 500 के जस्ट बाद ऐसा कोई नंबर देख लेते हैं जो 15 से डिविजिबल हो. कौन सा नंबर होगा? वो नंबर होगा 510. नाउ यू कैन से कि सर आपको ये डायरेक्टली कैसे पता? ये नंबर 5 से डिविजिबल है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 0 है. ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है बिकॉज इसका सम ऑफ डिजिट्स 0 है. तो आई जस्ट चेक्ड 505 और उसके बाद सीधा 510. ठीक है, नाउ द लास्ट नंबर 1000 से पहले जो 15 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल अगेन 995 हो सकता है क्या? 995, 995 में ये 3 से डिविजिबल नहीं है. उससे जस्ट पहले 990, ये 3 से भी है, 5 से भी है. सो ये हमारे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर हैं जो 15 से डिविजिबल हैं. दिस इज 15 इंटू 34 एंड दिस इज 15 इंटू 66. सो बेसिकली वी आर काउंटिंग फ्रॉम 34 टू 66. सो 34 से 66 कितने नंबर होते हैं? हमको सिर्फ माइनस करना होता है. 66 माइनस 34 विल कम आउट टू बी 32 प्लस 1 बिकॉज वी आर काउंटिंग बोथ द नंबर्स. सो दैट इज व्हाई आंसर इज 33. ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.